हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस तरीके से चार बटन्स बनाएंगे और बहुत ही अमेजिंग जो आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस इफेक्ट को हम लगाएंगे CSS की मदद से। तो बहुत ही अच्छे बटन्स हैं, आप इनको अपनी वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे इफेक्ट हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, इनको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम इस तरीके से इसको इफेक्ट को ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट एडिटर में आ जाना है और आपको दो फाइलें बनानी है। पहले हमने बनाई है h_over.html, दूसरी हमने बनाई है h_over.css। तो h_over.html वाले में हमने क्या करना है, html की यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर लिख देनी है। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका हेड टैग है, यहाँ पे जो आपकी एक्सटर्नल css है h_over.css, इसको यहाँ पे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे लिंक टैग और यहाँ पे जो है h_over.css, यानी कि उस फाइल का जो आपकी है यहाँ पे एक्सटर्नल, इसका यहाँ पे आपका नेम दे दिया, यानी कि इसके आपने यहाँ पे इसका पास दे दिया है। ये हमारा काम हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बॉडी सेक्शन में आपको एक div टैग बना लेना है और div टैग को हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। div टैग में हमने एक क्लास लेनी है, क्लास का नाम हम ले लेते हैं कंटेनर। कंटेनर हमने क्लास का नाम ले लिया। अब इस कंटेनर क्लास के अंदर, इस div के अंदर हमें चार बटन बनाने हैं, जो कि हमें जरूरत है। चार बटन बनाने हैं और इसको एक क्लास दे देते हैं हम, जैसे बटन एक कॉमन क्लास दे देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बटन वन, इनको अलग अलग इंडिविजुअल बटन को हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h_over_me, हमने ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको तीन बार और पेस्ट कर देना है, क्योंकि हमें चार बटन चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू को चेंज कर देना है। बटन 2 इसकी क्लास का नाम है, बटन 3 इसका है, बटन 4 इसका है। ये हमने सिंपली यहाँ पे काम कर दिया है। Ctrl+S से यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो चार बटन हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना, ये तरीके से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ स्टाइलिंग करनी है, CSS वाले सेक्शन में जाके सिर्फ स्टाइलिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे जाना है h_over.css वाले सेक्शन में। सबसे पहले हमें बॉडी पे स्टाइलिंग करनी है। बॉडी पे हमने क्या कर देना है, मार्जिन को जीरो कर देना है, पैडिंग को भी हमने जीरो कर देना है, जो कि हम हर एक वेबसाइट में बनाने के लिए करते हैं, ताकि वो कोई स्पेस ना ले एक्स्ट्रा। Ctrl+S सेव कर लेते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट ये टॉप में आ चुकी है, कोई अलग से ये मार्जिन नहीं ले रहा है जो 10 पिक्सल का होता है फालतू का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो कंटेनर क्लास है आपकी, ये वाली क्लास है, इस पे हमें जो प्रॉपर्टी लगानी है, इस डिप पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो आपको क्या करना है, इस कंटेनर वाली क्लास को एक्सेस कर लेना है। क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ता है और कंटेनर आपको यहाँ पे एक्सेस कर लेनी है। इसमें हमें सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके बटन्स थे वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेंटर में आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, यानी कि यहाँ पे लाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे इसको टॉप से, सपोज मैं 300 पिक्सल का इसको मार्जिन दे देता हूँ। Ctrl+S सेव कर लेते हैं, R से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली सेंटर में आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये काम तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, h_over.html वाले सेक्शन में जो आपकी बटन क्लास है btn है, यानी कि इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर हम btn पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये चारों बटन पे ही इसका इफेक्ट शो होगा, चारों बटन पे ही इसका इफेक्ट लगेगा, क्योंकि बटन btn एक ही क्लास का नाम है, एक ही नाम है इस क्लास का, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके जो btn क्लास है उसको एक्सेस करना है। तो .btn हमें यहाँ पे लगा लेना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर हमें लिखना है यहाँ पे 1 पिक्सल और यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे कलर का नाम लिख देना है। कलर का कोड है हमारे पास 3498TB, ये हमारे पास कलर का कोड है। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि जो इसका बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का तो है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर भी आ चुका है बॉर्डर पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इसके नन कर देता हूँ, ताकि इसको कोई बैकग्राउंड ना हो। थोड़ी सी इसमें पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में इसको 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल राइट से यहाँ पे दे देता हूँ। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, Ctrl+R से रिफ्रेश करते हैं। आप अभी देख सकते हो इनमें पैडिंग आ चुकी है, टॉप से 10 पिक्सल है और लेफ्ट से ये 20 पिक्सल इसमें आपकी पैडिंग आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट के साइज को बढ़ा देता हूँ, जो आपकी ये फॉन्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ। Ctrl+S, Ctrl+R, आप देख सकते हो फॉन्ट का साइज भी बढ़ चुका है। अब इस फॉन्ट फैमिली को थोड़ा अलग कर देता हूँ, ताकि और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ पे कर देता हूँ
सपोज मैं यहाँ पे कर्सिव कर देता हूँ कंट्रोल एस कंट्रोल एस आर, तो फॉन्ट फैमिली भी आपकी यहाँ पे कर्सिव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे हैंड का निशान होता है जो आपका वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्सर, कर्सर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंटर, पॉइंटर मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस कंट्रोल आर, तो ये आपका देख सकते हो यहाँ पे कर्सर है वो हैंड के निशान का आपका आ चुका है। तो ये हमने बटन वाली क्लास पे हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो अलग अलग जो आपके बटन है, बटन वन है, बटन टू है, बटन थ्री है और बटन फोर है, इन पे भी आपको अलग अलग से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बटन वन और बटन टू पे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे इनकी क्लास को एक्सेस करना है, डॉट बटन वन करना है, फिर कोमा लगा के डॉट लगा के बटन टू करना है। अब इसका मतलब क्या है, कोमा क्यों लगाया, ताकि हम बटन वन पे भी और बटन टू पे भी जो क्लास है उन पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हमें कलर कर देना है, वही कलर कर देते हैं 3498 DB हमने यहाँ पे कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, आर से प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो बटन वन और बटन टू पे जो इनका फॉन्ट का कलर है वो आपका ये थोड़ा सा ब्लू सा हो चुका है, ठीक है ना। अब सिमिलरली हमने बटन थ्री पे और बटन फोर पे भी हमें कर देना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे डॉट लगा के बटन थ्री कॉमा डॉट बटन फोर, यहाँ पे हम कलर को इसको हम व्हाइट कर देते हैं। तो ट्रिपल एफ हम यहाँ पर व्हाइट का कोड देते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, आप यहाँ पे देख सकते हो बटन थ्री और बटन फोर का हमने व्हाइट कर दिया। हमने व्हाइट क्योंकि ये आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। अब हमें एच ओवर टैग को लगाना है, ठीक है ना, बटन वन पे और बटन टू पे एच ओवर टैग को लगाना है। यानी कि जब भी मैं अपने माउस को यहाँ पे ओवर करूं तो जो इसका कलर है वो आपका व्हाइट हो जाना चाहिए, और जो इस पे ओवर करूं तो इसका है वो कलर वापस से आ जाना चाहिए, यानी कि ब्लूइश सा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एच ओवर लगाना है बटन वन पे और बटन टू पे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगा के बटन वन को एक्सेस करना है और यहाँ पे स्कोलन लगा के एच ओवर टैग लगा देना है, और कोमा लगा के डॉट लगा के फिर बटन टू को एक्सेस करना है, फिर कोलन लगा के एच ओवर टैग लगा देना है। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो आपको क्या कर देना है, पहले वाले का ट्रिपल एफ कर देना है ताकि वो व्हाइट हो जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हमें डॉट लगा के बटन जो आपका थ्री है उस पे एच ओवर लगाना है, और कोमा लगा के डॉट लगा के बटन फोर है उस पे भी हमें एच ओवर लगा देना है, और जो उसका कलर है वो हमें कर देना है हैश 3498 DB कर देना है। कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं, कंट्रोल आर से प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यहाँ पे एच ओवर करूंगा तो इसका बटन वन का और बटन टू का जो कलर है वो एच ओवर करने पे व्हाइट हो चुका है, और बटन थ्री का और बटन फोर पे एच ओवर करते हैं तो ये थोड़ा आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका ब्लूइश का दोबारा से वापस पोजीशन में आ चुका है। तो ये हमने एच ओवर का यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन भी लगा देता हूँ। तो ट्रांजिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन वाली में हमें यहाँ पे लिखना है ट्रांजिशन, सपोज में 0.9 सेकंड की ट्रांजिशन लगा देता हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल प्लस आर। अब ये थोड़ा सा देख सकते हो ट्रांजिशन, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेके एच ओवर यहाँ पे आपका हो रहा है, यानी कि ये आपका इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारा अब जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि हम बिफोर एंड आफ्टर का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे हम बिफोर के कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी BTN क्लास थी बटन क्लास है उसको एक्सेस करना है, डबल कोलन लगा के हमें यहाँ पे बिफोर लगा देना है। बिफोर कंसेप्ट को यूज करने के लिए आपको कंटेंट जो कीवर्ड है उसकी जरूरत पड़ती है, और कंटेंट में आपको डबल कोडन में कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें सपोज हेलो वगैरह लिख सकते हो, बट हम बटन यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हेलो वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देना है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे लेफ्ट से इसको हम जीरो कर देते हैं ताकि लेफ्ट से इसका कोई बाय डिफॉल्ट मार्जिन ना आए, वो जीरो ही रहे। विथ मैं इसको 100% कर देता हूँ, और हाइट भी मैं इसको सपोज 100% ही फिलहाल के लिए कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे कर दिया, और विजिबिलिटी के लिए हम बैकग्राउंड इसका सेट कर देते हैं, जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, बैकग्राउंड एक मिनट बैकग्राउंड है जो वो हमें यहाँ पे कर देना है, वही 3498
98 dB हमने यहाँ पे कर देना है, बैकग्राउंड हमने कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल को आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका बैकग्राउंड है ये हो चुका है, और जो इसकी विथ है वो आपकी यहाँ पे 100% है, और हाइट है वो यहाँ से 100% है, यानी कि कंटेंट से उठाया है इसने। कंटेंट जहाँ पे भी कंटेंट है एच ओवर लिखा है वहीं से ये स्टार्टिंग हुआ है, लेफ्ट से ये जीरो है ताकि ये कोई बाय डिफॉल्ट मार्जिन उठाए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये बटन के अंदर होनी चाहिए थी इसकी विथ, बट ये यहाँ पे भी आ रही है। इसकी प्रॉब्लम ये इसलिए आ रही है ताकि क्योंकि हमने पोजीशन रिलेटिव नहीं दी है, जो आपकी बटन क्लास है ये वाली, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे आपको रिलेटिव देनी पड़ेगी। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं ताकि इससे रिलेट कर देंगे। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है देख सकते हो, बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जो नीचे है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपका कलर है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ओवरफ्लो आपको हिडन लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, आर से रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली अब यहाँ पे ये प्रॉपरली आ चुका है, और स्टार्टिंग भी यहाँ से हो रहा है, पोजिशन एब्सोल्यूट यानी कि कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है जहां पे हम जा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको जेड इंडेक्स को -1 कर देते हैं, ठीक है ना, जेड इंडेक्स -1 कर देते हैं ताकि ये जो है आपका इसके पीछे चला जाए। जेड इंडेक्स का कंसेप्ट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो अगर मैं जेड इंडेक्स -1 नहीं करता तो देखो क्या हो रहा था। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, कंट्रोल आर से प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे ये आपका कुछ भी टेक्स्ट आपका हमारा दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हम जेड इंडेक्स को -1 कर देते हैं ताकि जो आपका फॉन्ट है वो आपका विजिबल हो जाए। देख सकते हो ये आपका विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपका विजिबल हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। अब मैं जो इसकी हाइट है इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मैं 0% कर देता हूँ इसकी हाइट को, ठीक है ना। अब यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, हाइट तब आएगी जब हम इसमें एच ओवर करेंगे, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे बिफोर कंसेप्ट आगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है हमें क्या करना है, ठीक है ना। देखो बटन वाली पे लगा दी हमने P4 का कंसेप्ट, अब बटन 1 पे लगाना है, बटन 3 पे लगाना है, यानी कि सारे बटनों पे इंडिविजुअल लगाना है। अब मैं पहले कर देता हूँ कोडिंग, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखने का कंसेप्ट। पहले लगना है यहाँ पे बटन 1 पे हमने P4 का कंसेप्ट लगा देना है, कोमा लगा के डॉट लगा के बटन 3 आपको यहाँ पे कर देना है, फिर यहाँ पे कोलन लगा के P4 का कंसेप्ट यहाँ पे कर देना है। टॉप से इसकी हम पोजीशन सेट करते हैं 0 हो जाना चाहिए, और बॉर्डर की रेडियस का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे यूज होगा, बॉर्डर रेडियस हो जानी चाहिए वो 0 0, 50% एंड 50% हमने ये यहाँ पे ये इसको सेट कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है अभी, फिलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, बटन 1 और बटन 3 पे बनाया, पेस्ट करता हूँ। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे बटन 2 और बटन 4 पे। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं पहले अगर थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉटम यहाँ पे लिख देना है, बॉटम से वो आपका 0 होगा, बॉटम ने यहाँ ये हमने यहाँ दिया, ठीक है ना, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे आपको 50% कर देना है, 50%, और यहाँ पे 0% आपको कर देना है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे बटन 3 पे और बटन 4 पे कुछ प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमें यहाँ पे लिखना है बटन 3, ठीक है ना, और यहाँ पे बटन 3 पे कोलन लगा के B4 लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से कॉमा और डॉट लगा के आपको बटन 4 आपको यहाँ पे लगाना है, और फिर से यहाँ पे B4 लगाना है। बिफोर लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइट है जो इसकी वो 180% कर देनी है। अब 180% हाइट क्योंकि ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, इस पे एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैं एकदम से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आपको रन करके दिखाऊंगा तब एक्सप्लेन आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, डॉट लगा के बटन 1 को आपको एक्सेस करना है, बटन 1 को एक्सेस करना है, और सिंपली यहाँ पे एच ओवर लगा देना है, यानी कि एच ओवर करने के बाद फिर यहाँ पे आपको B4 लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा डॉट बटन 2 को एक्सेस करना है, बटन 2 एच ओवर लगा देना है, फिर यहाँ पे दोबारा से B4 लगा देना है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है आपको कर देनी है, जो इसकी हाइट है वो 100% कर देनी है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा स्टेप है वो हमें करना है बटन 3 लगाना है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बटन 3,
यहाँ पे एच ओवर लगी रहा है और यहाँ पे बटन फोर कर देते हैं और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो हमें जीरो कर देंगे, इनकी अपोजिट कर देनी है इसकी हाइट, ठीक है ना। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से ये हो रहा है, बट अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने 180 करना है यहाँ पे, ओके दैट्स इनफ। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से आपका हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन इसमें दे देता हूँ, ट्रांजिशन ऊपर जाता हूँ मैं और यहाँ पे ट्रांजिशन मैं दे देता हूँ 0.9 सेकंड। ये आपका काम हमारा टोटली हो चुका है। कंट्रोल आर, आप देख सकते हो जो हमने एक्जेक्टली कहा था वही हमारा बन चुका है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो ध्यान, यहां तक आपको समझ में आ चुका था। अब देखो जो आपका बटन वन है, ठीक है ना, जो आपका बटन वन है और जो बटन थ्री है, यानी कि ये वाला बटन है, ये बटन वन है और ये जो बटन थ्री है, हमने यहाँ पे क्या किया है, टॉप से इसको जीरो कर देना है, यानी कि टॉप से वो जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि ये जो है, यानी कि टॉप है यहां से वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। और जो बॉर्डर की रेडियस है वो हमने की है 0 0 50%, 50%। अब देखो 0 0 50% 50% क्या है, यानी कि टॉप से वो क्या होगा 0 0 होगी और नीचे जाके, नीचे जाते जाते क्या होगी, वो 50% हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ये सर्कल फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 50% 50% है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, और बटन थ्री में भी ऐसा हो रहा है कि यानी कि ये भी आपका यहाँ से देखो यहाँ पे नीचे जाऊंगा तो ये नीचे क्या है 50% 50% है और ऊपर जाने से वो 0 0 हो रहा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। फिर बटन टू पे और बटन फोर पे हमने बिफोर को अप्लाई किया है, यानी कि इससे पहले बॉटम है वो जीरो हो जाना चाहिए और बॉर्डर रेडियस है वो 50% लिखना भूल गया, 50% 50% और जीरो यहाँ पे 0 0 हमने यहाँ पे कर देना है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, आर से प्रेस करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है ना, नीचे से वो क्या था, नीचे से वो क्या है, अब 50% 50% है नीचे से। देखो आप नीचे से ये आपका थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है नीचे से, ठीक है ना, ऊपर से ये 0 0 हो रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। और नेक्स्ट क्या किया है, हमें बटन थ्री पे बिफोर और बटन फोर पे बिफोर लगाया है। यहाँ पे मैंने हाइट 180% क्यों दी है, अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं आपको 100 दे देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पूरा एक्सेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 180 किया है ताकि ये पूरा यहाँ पे आ चुके, पूरा ये आपका यहाँ पे आ चुके, तो हमने यहाँ पे 180 यहाँ पे कर देना है। इसी तरीके से बटन वन और बटन टू पे अगर मैं 100 करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये पूरा एक्जेक्टली नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है ना। तो एक्जेक्टली लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 180 यहाँ पे कर देना होता है। और लास्ट में जो है वो हमने क्या किया है, बटन थ्री पे और बटन फोर पे होवर लगा के हाइट को इसकी जीरो कर देनी है, यानी कि पहले बटन थ्री और बटन फोर है ना, उसकी हाइट है एच ओवर होने पर वो जीरो हो जानी चाहिए। बटन थ्री है यानी कि देखो हाइट है इसकी, अब ये थी, अब हाइट है इसकी, यहाँ पे करने पर वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।